Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at COMSAIR Institute of Information Technology, and today is our lecture number 9 regarding the course Risk Management and Insurance, FNC 710. So we are starting with the lecture number 9. We are going to see the types of insurers and marketing systems. कि insurers की क्या-क्या types होती हैं, किस-किस तरह से insurers exist कर रहे होते हैं और कौन-कौन से insurers की types हमारे पास exist कर रही होती हैं. So we are going to see कि हमारे पास किस-किस तरह से insurers में merge कर रहे होते हैं, किस-किस तरह से insurers manage हो रहे होते हैं. We are going to see each and every things of it कि हम लोगों के पास उसके बाद क्या-क्या चीजें involve हो रही हैं, ठीक है? So with the passage of time we are going to see कि हमारे पास कितने insurers किस तरह मार्केटिंग सिस्टम है और किस तरह से इंश्योरेंस की पॉलिसीज को डेवलप किया जाता है. दैट आर बीइंग सीन. लास्ट टाइम हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस की बात की थी कि मेडिकल इंश्योरेंस अगर बनानी पड़े तो हमें कैसे बनानी पड़ेगी, किस तरह है उसके अंदर किस-किस चीज निटी ग्रिटी स्मॉल से स्मॉल चीज को हमने कैसे डील करना है, किस तरह से डील करना है. वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट. और अब हम देख रहे हैं कि उनमें किस-किस टाइप के इंश्योरर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, किन-किन को इंश्योरेंस चाहिए होती है, किस-किस तरह से वो इंश्योरेंस डील करते हैं, कौन से इंश्योरेंस है जो हमें चाहिए, कौन से इंश्योरेंस है जो हमें नहीं चाहिए और किस तरह से उन इंश्योरेंस के लिए हमें आगे चीजें रिक्वायर्ड हैं. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट द टाइप्स ऑफ इंश्योरर्स दैट एग्जिस्ट एंड व्हाट आर द मार्केटिंग सिस्टम्स दैट आर बीइंग इवॉल्वड. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9. सो फर्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स. के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज, यानी कि ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंसेस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री. कि क्या क्या प्राइवेट इंश्योरेंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री होती है, टाइप ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स कौन कौन सी हैं, किस किस टाइप के प्राइवेट इंश्योरर्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, व्हाट प्राइवेट इंश्योरेंस, उसमें एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, इन दोनों को हम देखेंगे कि ब्रोकर्स कितने हैं, एजेंट्स क्या हैं और व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ एजेंट्स एंड व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ ब्रोकर्स, दोनों की वर्किंग्स को हम देखेंगे और किस किस तरह से वो वर्किंग करते हैं. टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स, किस किस टाइप के मार्केटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग, किस तरह ग्रुप इंश्योरेंस की मार्केटिंग की जाती है, कौन कौन से ग्रुप इंश्योरेंस है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ही ग्रुप से रिलेटेड जो है वो इंश्योरेंस जनरेट करती हैं, यानी अपनी ग्रुप की इंश्योरेंस, जैसे सारे एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस कर रहे हैं, दैट मींस इट रिलेटेड टू अ ग्रुप इंश्योरेंस. या इसे इन अदर वर्ड्स ऑन सम अदर वे ये भी कहा जा सकता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ इंश्योरेंस के आप एक नहीं है तो कंसोर्शियम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज भी एक सर्टन एक चीज को इंश्योर कर सकती है. इन अदर वर्ड्स इट्स अ बोथ वे इफेक्ट. क्या है ये, हमारे पास बोथ वे इफेक्ट है, वन वे और टू वे, बोथ वे पे ये इफेक्ट आता है और बोथ वे पे जब इफेक्ट आता है तो दोनों को आमने सामने हम रख के देख रहे होते हैं. तो दैट मींस ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है कि समटाइम्स देयर इज अ कंसोर्शियम ऑफ इंश्योरेंसेस इंश्योरिंग वन सिंगल फर्म because loss is very big and sometimes many insurers forms a group and the insurance company provides them a group insurance. On both cases there is a group insurance marketing is there. कि किस तरह से हमने उस group insurance की marketing करनी है और कैसे उसे market करके आगे लेकर आना है. So we are going to see first overview, देखेंगे private insurance में क्या क्या आती है, फिर types of private insurers देखेंगे, फिर agents and brokers को देखेंगे and then फिर type of marketing systems देखेंगे. कि हमने agents and brokers भी देखने, टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स भी देखने और ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग्स को भी साथ साथ देखना है, ठीक है? कि एजेंट्स एंड ब्रोकर्स हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम्स भी हैं एंड ग्रुप इंश्योरेंस मार्केटिंग्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. सो with the type of marketing systems and group insurance marketing we are going to see each and every item of our marketing techniques. ke hamare paas marketing techniques mein kya kya cheeze chal rahi hain. So starting with the topic ke hamare paas kya kya cheeze isme involved hain. Overview of private insurance in a financial service industry. के overview क्या आ सकता है private insurance में in a financial service industry. The financial service industry consist of, अब किसमें consist होती है, that are first of all we are talking about कमर्शियल बैंक, देन हमारे पास सेविंग बैंक्स आते हैं, देन हमारे पास क्रेडिट यूनियंस आती हैं, लाइफ हेल्थ इंश्योरर्स, प्रॉपर्टी कैजुअल्टी इंश्योरर, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी ब्रोकर्स, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन एंड गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल institutions. अब पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स भी एक तरह से हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट
इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन, कि ज्यादातर वहां पे जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इन सारी चीज को डीलिंग कौन कर रहा होता है, दैट इज अ कमर्शियल बैंक्स, कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो सारी इन चीजों को देख रहा होता है और इन्हीं चीजों से वो आगे लेकर चीजों को जा रहा होता है. सेविंग्स एंड लोन इंस्टीट्यूशन क्या है यहाँ पे, सेविंग्स है एंड लोन इंस्टीट्यूशन के, क्या क्या सेविंग्स है और लोन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं, वट आर द सेविंग्स, वट द सेविंग्स दे डू एंड वट आर द सेविंग इंस्टीट्यूशन दैट आर बींग रिक्वायर्ड, कि कौन कौन से सेविंग इंस्टीट्यूशन हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं और किस किस तरह से वो सेविंग इंस्टीट्यूशन हमारे सामने नजर आ रहे हैं और किस तरह से वो हमारे सामने क्लियर कट नजर सामने आ रहे हैं. ठीक है, तो क्रेडिट यूनियंस आर ऑल्सो बींग देयर, कि क्रेडिट यूनियंस भी आ रही हैं. क्रेडिट यूनियंस कौन सी हो सकती हैं, कि सर्विसेज एंड लोन इंस्टीट्यूशन दैट आर देयर. क्रेडिट यूनियंस, जितने भी क्रेडिट यूनियंस हैं दैट आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्या चीज, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरर्स आर ऑल्सो बींग देयर, के लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के, यानी कि दीज आर द स्पेसिफिक टाइप्स के, जो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस अप्लाई कर रहे हैं. प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस, यानी कि प्रॉपर्टी की भी इंश्योरेंस दे रहे हैं और कॉजलिटी इंश्योरेंस को भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजें. सो देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस ऑल्सो देयर, यानी प्रॉपर्टी कॉजुअलिटी इंश्योरेंस भी है एंड देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल फंड्स, क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, म्यूचुअल फंड्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं दैट आर द प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस. सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स हैं, क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स हैं. ठीक है, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन फंड्स हैं, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन फंड्स हैं, यानी सिक्योरिटी ब्रोकर्स भी, सिक्योरिटीज ब्रोकर्स एंड डीलर्स भी हैं, प्राइवेट एंड स्टेट पेंशन फंड्स हैं. ठीक है ना, गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो बींग देयर, गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो बींग देयर, के कौन कौन से गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या है ये, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट इट इज बींग ओन्ड बाय गवर्नमेंट. कौन इनसे ओन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ओन कर रही है और गवर्नमेंट किस तरह से ओन कर रही है, कैसे ओन कर रही है, दैट वी आर गोइंग टू सी के उसे किस तरह से हमने ओन करके आगे लेकर जाना है. सो दैट मींस के कमर्शियल बैंक्स दैट आर आल्सो बीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेविंग एंड लोन इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ लोन्स दे रहे हैं या सेविंग इंस्टीट्यूशन, दैट है नेशनल सेविंग सेंटर दैट इज अ सेविंग इंस्टीट्यूशन. Another thing that is a credit unions, क्या चीज आ रही है हमारे पास, credit unions भी आ रही है. Credit unions भी also one of the thing that provides you a credit services, और credit unions उसी के हिसाब से आपको services towards the finance provide कर रही होती है. Life and health insurance insurers are also there, कि जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस को देख रहे होते हैं. सेम इज द केस विद द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड अदर वन इज द म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस. सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स, सिक्योरिटीज ब्रोकर्स भी होते हैं एंड डीलर्स, वो भी आपको एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. एंड अदर वन इज द गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और कैसे डिसाइड हो सकते हैं और कौन कौन सी चीजें उनके पास सामने एग्जिस्ट कर रही होती हैं. Now the next thing we are talking about assets of financial sectors, क्या इस तरह से financial sectors की distribution है in terms of US. हम पाकिस्तान की बात नहीं करें because book is related to US, so definitely they talk about their own country. So when assets of financial sectors कौन से 2007 डॉलर billions में आ रहे हैं. ठीक है ना, तो first of all अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, securities आ रही है. securities में कितनी dealing है, that is securities 14,293 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज. बैंकिंग कितना है, 13,767 इज रिलेटेड टू बैंकिंग. अगर अदर वन इज द पेंशंस, देन गवर्नमेंट्स एंड देन अदर्स एंड देन देयर एग्जिस्ट इंश्योरेंसेस. क्या आ रहे हैं हमारे पास, देयर एग्जिस्ट इंश्योरेंसेस. तो सबसे पहले टॉप पे कौन सा आ रहा है, दैट इज सिक्योरिटीज, कि जब आप किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज बैंकिंग, हालांकि सबको क्या लगता था कि सबसे पहले क्या है, बैंकिंग आ रहा है, लेकिन नहीं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड देन बैंकिंग. एंड बैंकिंग के बाद कौन सा आ रहा है, दैट इज ऑफ पेंशंस. किसका आ रहा है, यहां पे पेंशंस का आ रहा है. एंड आफ्टर दैट कौन सा आ रहा है पेंशंस के बाद, दैट इज ऑफ अदर्स. एंड देन वी हैव गवर्नमेंट रिलेटेड एंड देन वी हैव इंश्योरेंसेस.
कि गवर्नमेंट रिलेटेड भी आ रहा है एंड देन वी हैव अ इंश्योरेंसेस, यानी ईच एंड एवरी हैव अ सर्टेन रैंकिंग, कि सर्टेन रैंकिंग के साथ चल रहे हैं कि कौन सी रैंकिंग किधर पे आ रही है और कैसे वो डीलिंग कर रहा है विद दैट सच रैंकिंग, कि वो रैंकिंग के साथ किस तरह से और कैसे चल रहा है. दैट इज एसेट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 2007 में आ रहे, डॉलर बिलियंस में आ रहे, एंड डेटा आर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ अ फेडरल रिजर्व सिस्टम, दीज आर टेकन फ्रॉम द फेडरल रिजर्व सिस्टम सो दैट द ऑथेंटिकेशन कैन बी मेंटेन्ड. तो यहां पे गौर से देखें तो सबसे पहले क्या है, 24%, 23%, then 17, 13, 13 and then 10. So that is how the overall assets of financial services are being distributed. इस तरह से हमारे financial services के assets distributed हैं. Overview of private insurance in a financial service industry. यानी ये private insurance की क्या overview करें, तो अगर financial service में तो क्या आ रहा है? Change in financial service industry includes consolidations. याद रखिए financial service industries में भी consolidations exist कर रही हैं. ये consolidations उसमें भी one by one नजर आ रही हैं. The number of firms has declined due to mergers and acquisitions. बहुत सारे banks हैं हमारे यहाँ भी हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितने banks merge हो सकते हैं, तो understood सी बात है. यूनियन बैंक था, स्टैंड चार्टर्ड ने परचेस किया एंड दे आर बीइंग मर्ज्ड. सेम गोज विद मेनी अदर बैंक्स जिसमें आपके पास यही केस हुआ है. जैसे दुबई इस्लामिक बैंक आया था, दैट इज बीइंग परचेस्ड बाय अलबरका एंड नाउ देयर इज अ सिंगल बैंक. सेम गोज विद एनी अदर, यू कैन से निब बैंक, माय बैंक, दीज आर ऑल बैंक्स दैट आर बीइंग कंबाइंड, दैट आर बीइंग कंबाइंड एंड दैट आर बीइंग मर्ज्ड एंड सम आर ऑल्सो बीइंग एक्वायर्ड. कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो एक्वायर हो चुके हैं, यानी जिन्हें हम लोग एक्विजिशंस में ला चुके हैं, यानी जो ऑलरेडी एक्वायर्ड में ही हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि दीज आर बीइंग एक्वायर्ड और जिनको एक्वायर हम कर चुके हैं. तो दैट मींस कि यहाँ पे एक्विजिशंस आर आल्सो बीइंग देयर और एक्विजिशंस भी यहाँ पे डील हो रही होती है. तो मींस व्हेन देयर इज अ मर्ज, अब देखें फॉर एग्जाम्पल यूबीएल इज बीइंग परचेज्ड बाय अल्फाला, तो अगेन यहां पे हम कहेंगे कि दैट इज बीइंग एक्विजिशन. अगर मैं यहां पे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो क्या कहेंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट मर्जर्स, किसकी बात करें, मर्जर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि अ फर्म हैज टू लूज इट्स ओन आइडेंटिटी एंड गेट द वंस आइडेंटिटी, यानी कि जो खरीद रहा है वो उसकी आइडेंटिटी में आएगा और अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी छोड़ देगा. जैसे यूनियन बैंक है, नामो निशान नहीं आता, क्यों, उसने किया मर्जर था, सारी के सारे यूनियन बैंक के बोर्ड हटा के स्टैंड चार्टर्ड के लग गए थे, बिकॉज दे हैव टू लूज इट्स ओन आइडेंटिटी. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्विजिशन में फर्म अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोती है और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखती है. जैसे यूबीएल की बात करें, अल्फला की बात करें, यूबीएल अपनी जगह है, नाम अपनी जगह है, अपनी जगह काम कर रहा है, अल्फला अपनी जगह काम कर रहा है, अपनी तरह से ही काम कर रहा है. तो दैट मीन्स कि दोनों की आइडेंटिटी वेरीड है, दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट आ रही है, दोनों की आइडेंटिटी ओवरऑल तरीके से वेरीड है. तो जब वेरीड आइडेंटिटी आ रही है, तो दैट मीन्स कि वहां पे आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि वहां पे कॉन्सेप्ट्स की वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. तो यहां पे भी वही है कि कंसोलिडेशंस भी आ रही है, तो वहां पे क्या आ रहा है जी, मर्जर एंड एक्विजिशंस में कंसोलिडेशंस होती हैं कि सारी कंपनीज कंबाइन हो रही हैं और कंसोलिडेट हो रही हैं. समटाइम्स इट हैपेंड कि यहां पे जब कंसोलिडेशंस होती हैं तो उसके दो तीन मेथड होते हैं. समटाइम्स उनकी बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू प्लस हो रही होती है, यानी ऐड हो रही होती है, और समटाइम जस्ट बाय पूलिंग जो आप उसकी बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं विद इंक्लूडिंग मार्केट वैल्यू एक्सचेंज रेशियो एंड शेयर एक्सचेंज रेशियो. ये दो एक्सचेंज रेशियोज हैं जिसकी बेसिस पे आपके मर्जर्स और एक्विजिशंस हो रहे होते हैं और उन्हीं की बेस पे आप इन्हें आगे लेकर चल रहे होते हैं. कन्वर्जेंस पे बात करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नाउ सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं दैट अर्लियर वर आउटसाइड देयर कोर बिजनेस एरिया, जो उनकी कोर बिजनेस एरिया में नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ आई वुड टॉक अबाउट इट्स अ बैंक, बैंक का कोर अगर मैं कहूंगी व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ अ बैंक, तो वो तो यही ट्रांजेक्शन और तो कुछ भी नहीं है. अगर मैं बात करूं सिर्फ कोर फंक्शन क्या है, दैट इज जस्ट अ ट्रांजेक्शन, लेन देन करनी है, पैसा रखना है, पैसा देना है, पैसा रखना है, यानी डिपॉजिट लेने हैं या क्या नाम है कैश मेंटेनेंस है, और डिपॉजिट लेने और लोन्स देने, ये दीज आर द बेसिक. लेकिन उसके बाद क्या आ गया जी, मनीग्राम, ऑनलाइन बैंकिंग, रेमिटेंसेस, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंसिंग, lots of products are there, agri financing whatsoever, these are all known to be as the different products. तो वो अपने कोर एरिया से या कोर बिजनेस से a bit move कर गए हैं, वहां पे क्या कर गए हैं, वो अपने कोर एरिया या कोर बिजनेस से हट गए हैं, कोर एरिया से सेपरेट चल रहे हैं, जिसमें आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ मच दे आर बींग सेपरेट फ्रॉम इट, कि वो कितने ज्यादा इस चीज से सेपरेट है और कितने ज्यादा सेपरेट
चल रहे हैं. सो दैट मीन्स के वहां पे भी इनके पास वो अपने एरिया से आउट हो चुके हैं. तो दैट मीन्स के देयर इज अ कन्वर्जेंस इन्वॉल्व फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में एंड देयर इज ऑल्सो बींग अ कंसोलिडेशन इन्वॉल्व, यानी कि कंसोलिडेशन भी इन्वॉल्व है और कन्वर्जेंस भी इन्वॉल्व है. इन बोथ केसेस के बोथ एरियाज में इसकी कन्वर्जेंस और कंसोलिडेशन इन्वॉल्व है और कंसोलिडेशन के साथ साथ ही ये काम कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस, क्या क्या टाइप्स हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस की एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने टाइप्स के प्राइवेट इंश्योरेंस हैं जो वर्क कर रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को हम डील करते हैं और कैसे कैसे टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमारे सामने आते हैं. साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट क्या चीज है, साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट इन 2007 लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस 1009 दीज इंश्योरेंस सेल्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एनुइटी म्यूचुअल फंड पेंशन प्लान्स एंड रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. यानी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो थे वो कितने थे 1009 इन 2007, यानी इतने हमारे पास इंश्योरेंस थे यानी इंश्योरेंस कंपनीज थी. These insurance sells health insurance. क्या करते हैं ये, health insurance sell करते हैं and साथ ही life insurance भी sell out करते हैं. क्या करते हैं वो, साथ ही life insurance भी sell out करते हैं and annuities also being sold, mutual funds are also being sold. कि annuities भी sold होती हैं साथ ही mutual funds भी यहाँ पे इसमें include हो गए थे. पेंशन प्लान दैट आर ऑल्सो. अच्छा, अब इंश्योरेंस का काम तो सिर्फ रिस्क से मैनेज था ना, अब उन्होंने जानबूझ के रिस्क जनरेट कर लिया. हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस भी हो सकती है, एजुकेशन इंश्योरेंस भी हो सकती है, मैरिज इंश्योरेंस भी हो सकती है. यानी दे हैव मेंटेन्ड सो मेनी प्लान्स कि इसमें लाइफ भी आ गई, हेल्थ भी आ गई, मैरिज भी आ गई, एजुकेशन भी हो गई, हाउसिंग भी आ गई, एवरीथिंग इज देयर और रिटायरमेंट भी आ गई, पेंशन प्लान इज ऑल्सो देयर एंड रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग देयर. यानी हर चीज के ऊपर उन्होंने अपना भी स्पैन ऑफ और स्कोप ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा दिया, यानी कि उन्होंने अपना स्कोप ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज कर दिया. जब उन्होंने अपना स्कोप ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर दिया तो दैट मीन्स दे हैव इंक्रीज एंड देयर इज अ रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स दैट आर असाइन टू इट. यानी दीज आर ऑल नोन टू बी एज अ रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स. कि ये हमारे पास क्या चीजें हैं, रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरर्स की प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरर्स कितने 2723 कितने हैं 2723 है हमारे पास. दीज इंश्योरर्स सेल्स प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस. यानी क्या हो गया, दीज इंश्योरर्स का काम क्या है, सेल्स प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस. कि वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं और कॉजलिटी इंश्योरेंस भी क्लेम करते हैं एंड रिलेटेड लाइंस. क्या करते हैं ये, दीज इंश्योरेंस सेल प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस. क्या करते हैं, प्रॉपर्टी भी इंश्योर करते हैं, कॉजलिटी इंश्योरेंस भी करते हैं एंड रिलेटेड लाइंस. और साथ ही हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेटेड लाइंस को, इंक्लूडिंग मैरीन कवरेज. मैरीन कवरेज का मतलब क्या है कि जो शिपिंग आई, शिपिंग आ तो गई है आपके पास, अब इसको कवरेज कैसे प्रोवाइड करनी है, दैट मीन्स कि हमने इस मैरीन को भी कवर अप करना है कि किस तरह से इन मैरीन को हमने कवर या कवरेज देनी है. एंड श्योरिटी, अब उस सीधा श्योरिटी यानी गारंटीज भी प्रोवाइड करनी है एंड फिडेलिटी बॉन्ड्स. यानी दीज आर ऑल्सो बींग देयर, जिसमें फिडेलिटी बॉन्ड्स या ओल्ड बॉन्ड्स या कंसोल्ड बॉन्ड्स को हमने हैंडल करना है और हमने किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है. तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी आइटम कि हमने इनको किस तरह से और कैसे मैनेज करके आगे लेकर आना है. दैट मीन्स कि टाइप ऑफ प्राइवेट इंश्योरर कौन सी, साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट वो कौन सा है, लाइफ इंश्योरेंस आ गई है, प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस आ गए, यानी दो इंश्योरेंस आ गए, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं. दिस मीन दैट इज द साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट्स. ये हमारे पास इतनी इंश्योरेंस मार्केट्स जो थी वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी और इतने नंबर ऑफ इंश्योरेंस दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट. सो मूविंग फर्दर, एग्जिबिट 5.2 टॉप 20 यूएस लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप्स बाय रेवेन्यू. बाय रेवेन्यू कितने हमारे पास टॉप 20 जो लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं, यानी कि हमारे पास लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप्स आर बाय रेवेन्यू, कितनी रेवेन्यूज हैं. अब लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस देखें, मेट लाइफ कितना रेवेन्यू है इसका 53 और इसका 558,000 के एसेट्स हैं. फिर प्रूडेंशियल आती है दैट इज 34,485, न्यूयॉर्क 29,27 420 एंड अब यहां पे देखें मैस्कॉट म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस वो इससे लोअर पे आ गई. नॉर्थ वेस्टर्न म्यूचुअल 22,597 एंड 156,547. FLAC 15,393, 65,805. Genworth Financials 11,443 and 114,315. Principal Financial Principals आ गए 154,000 यहाँ पे आ गए. Lincoln Nationals आ गए, क्या आ गए हमारे पास, Lincoln Nationals आ गए 191,000 यहाँ पे हैं.
यूनम ग्रुप्स आ गए, तो यहाँ पे 52,000 यहाँ है, 10,000 यहाँ है. गार्डियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ अमेरिका कितनी है, 10,071 एंड 41,091. यानी कि आप देखें यहाँ पे किस तरह टॉप 20 आ रही है. ट्रीवेंट फाइनेंशियल फॉर लूसेंस एंड 6133 एंड 57,000. पैसिफिक लाइफ भी आ गई, वेस्टर्न साउदर्न भी आ गई, 4811 कितनी आ रही है, 4811. 30,941 कितनी आ रही है, वो 30,941 आ रही है. उसके बाद आ रही है कॉन्सिको, दैट इज 4572, 33,513. म्यूचुअल ओमाहा इंश्योरेंस 4337, 17,746. सुना म्यूचुअल ग्रुप्स 3850 एंड 14,946. टॉशमार्क दैट इज 33,487, 15,241. अमेरिकन नेशनल इंश्योरेंस 3071 एंड 18,465. यानी कि हमारे पास 3071 भी आ गए और 18,465 भी आ गए. यानी कि ईच एंड एवरीथिंग बीइंग देयर कि हमने इन सब चीजों की मेजरमेंट्स को सामने लेकर आगे चलना है. तो दैट मींस दीज आर द टॉप 20 इंश्योरेंसेस हैं जिनको हमने लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप्स में देखा है. लेकिन आप गौर से देखें तो रेवेन्यूज आर नॉट यू कैन से वेरी कहते छोटे रेवेन्यू नहीं, दे आर वेरी बिगर रेवेन्यूज बिकॉज इट्स अ डॉलर मिलियंस. यानी 50,150 मिलियंस का मतलब है कि आप वी आर एट अर्निंग अ बिलियंस ऑफ इट. यानी आप बहुत ज्यादा इसमें अर्निंग्स आ रही. तो दैट मींस इंश्योरेंस ग्रुप्स नॉर्मली अर्न्स. Another one, that is top 20 power private and casualty insurance companies. अब यहाँ पे देखें तो इससे भी ज्यादा रेवेन्यू, यानी कि लाइफ एंड हेल्थ से भी ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है. यानी उनका जो हायर था वो यहाँ कहीं लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, दैट इज 118,249. दैट मीन्स दैट इज अ बिगेस्ट रेवेन्यू, दैट इज ऑफ बर्कशायर हैथवे, ट्राइवल को, ऑल स्टेट, हार्टफोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशन वाइड, लव्स, व्हाटएवर. These all are the being parts of that revenue. That means property and causality companies by revenue. Revenue के हिसाब से हमने property and causality companies को सामने लेकर चलें. First American Corporation, Safeco is there, War Barclays, Fidelity National Financial आ गई, Auto Owner Insurance आ गई है, Arik Insurance Groups आ गए. यानी each and everything is being there. कि जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास exist कर रही हैं और हमने किस तरह से उनको देख के आगे चलना है कि how we are going to move it from one place to another, कि हमने बाकी चीजों में भी उसको देखते जाना है कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व्ड हैं. टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस फर्दर चलते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है. इंश्योरर कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म. कि समटाइम्स इंश्योरेंस किस तरह भी क्लासिफाई हो सकते हैं, बाय देयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म उनकी क्या है, और उसी हिसाब से इंश्योरर्स कई दफा काउंट आउट होते हैं. ये किस किस तरह से इंश्योरर्स अपने आप को चेंज करते हैं या किस तरह से इंश्योरर्स अपने आप को लेकर आगे चलते हैं. तो क्लासिफाइड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, के जिस तरह का उनका ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म होगा उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स को आगे लेकर चलते हैं. दैट हाउ वी यूज ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, और उसी तरह से वो आगे लेकर चलेंगे. इंश्योरर कैन बी क्लासिफाइड, पहला क्या है, स्टॉक इंश्योरर. क्या आ रहा है हमारे पास, स्टॉक इंश्योरर्स. कि ये हमारे पास इतनी स्टॉक इंश्योरर्स हैं, और स्टॉक इंश्योरर्स का मतलब ये है कि दैट मींस दी मोस्ट ऑफ द इंश्योरर्स आर बेस्ड ऑन देयर ओन इक्विटी. किस पे बेस कर रहे हैं, बेस्ड ऑन देयर ओन इक्विटी, के अपनी ही इक्विटी पे बेस कर रहे हैं और अपनी ही इक्विटी को सामने लेकर आगे चल रहे हैं. देन म्यूचुअल इंश्योरर, दैट इज इक्वल्स टू म्यूचुअल फंड इंश्योरर. क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड इंश्योरर. यानी कि यहां पे हम म्यूचुअल इंश्योरर्स की बात कर रहे हैं. The next one is the reciprocal exchanges. क्या कहते हैं उसे हम, that is known to be as a reciprocal exchanges. कि हमारे पास एक चीज दे रहे हो तो दूसरे से ले रहे हो, तो that means reciprocal exchanges हैं. कि that means there is, we are going to reciprocate each and everything. Lloyds of London, that is again being my based by the organizational firm. Blue Cross and Blue Shield plans. That means these are being made on the basis of प्राइवेट इंश्योरर. के इंश्योरर्स किस पे, ब्लू क्रॉस से बेस कर रहे हैं या ब्लू शील्ड प्लान्स पे. हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन टू बी एज अ एचएमओस. क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज नोन टू बी एज आर एचएमओस, के हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन. अदर टिपिकल टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स देयर आर आल्सो बीइंग देयर दैट आर अदर देन दीस टाइप्स. यानी इन टाइप्स के अलावा भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं और जिनको हम यूज करते हैं, एंड दैट आर आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ योर प्राइवेट इंश्योरर्स. नॉर्मली क्या होती है, स्टॉक इंश्योरर, म्यूचुअल इंश्योरर, रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस, लॉयड ऑफ लंडन एंड
ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स के ब्लू क्रॉस भी दे रहे हैं, ब्लू शील्ड प्लान्स भी दे रहे हैं. हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन HMOs आर देयर, अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स आर आल्सो देयर. यानी हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर एंड अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स आर देयर, कि हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और कुछ अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो दैट मींस देयर एग्जिस्ट हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस, के हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस भी हैं एंड देयर आल्सो एग्जिस्ट हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, के जिसमें हमारे पास हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जिस्ट कर रही हैं. टाइप्स ऑफ फर्दर इंश्योरेंस पहले बात करते हैं. स्टॉक इंश्योरेंस इज अ कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय स्टॉक होल्डर्स, यानी कि ज्यादातर यहाँ पे कौन होल्डिंग होगी, दैट इज बेस्ड ऑन स्टॉक होल्डर्स, के कौन लोग हैं यहाँ पे, ज्यादातर स्टॉक होल्डर्स हैं जो जिसपे ये स्टॉक इंश्योरेंस बैठे हुए हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज डेफिनेटली टू अर्न प्रॉफिट. क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? बेसिकली टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट देरी बात है, जब आपके पास एक चीज इक्विटी होल्ड है, क्या चीज है वो? इक्विटी होल्ड है, तो डेफिनेटली कोशिश तो यही होगी ना कि टू अर्न प्रॉफिट. क्या होगी कोशिश? टू अर्न अ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट अर्न करें, क्योंकि हमने किसी को आगे देनी है, क्योंकि स्टॉक होल्डर से अगर उन्होंने पैसे लगाए हुए तो वी रिक्वायर द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि एक स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करनी एंड ऑल्सो पे द डिविडेंड. क्या करना है हमने? दोनों काम करने हैं, कि वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि हमने स्टॉक की वैल्यू को भी इंक्रीज करना है और साथ ही वी हैव ऑल्सो need to pay the dividends, कि हमने dividends भी pay out कर रहे हैं. यानी we need increase value of stock, stock की value भी increase करनी है and also pay the dividends, कि dividends को भी हमने pay out कर रहे हैं. यानी in both cases we are going to pay out and we are going to pay the dividends. Because when we talk about a goal of a stockholder, तो हमारे पास पहला case क्या होगा, कि that we have to increase their wealth. और उनकी wealth कैसे increase होगी? By increasing the value of stock and also to pay the dividend. Because when we have discussed the dividend discount model, तो उसमें यही होता था ना, D1 divided by V plus G, that is known to be as a growth and that is known to be as a dividend yield. और जब हम इन दोनों को add करते थे, तो we have got the returns that we are required. यानी we got the returns on the basis of these two things, कि हमारे पास dividend yield and growth both should be there, ताकि हमारे पास easily चीज आ जाए, that is D1 divided by V plus G. कि कितना आ रहा है हमारे पास? D1 डिवाइड बाय V प्लस G, यानी दीज आर डिविडेंड यील्ड एंड दैट इज कैपिटल गेन. तो याद रखिएगा, जब स्टॉक होल्डर्स की बात करते हैं तो वी हैव टू सी कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व है. स्टॉक होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नॉर्मली जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो तो सारे के सारे क्या होते हैं? ओनर ऑफ अ फर्म. लेकिन अगर ओनर ऑफ अ फर्म मेरे पास 2000 या 2,00,000 है, तो और मैंने कोई फैसला लेना है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, तो अगर मैं 2,00,000 से साइन के लिए कहूंगा तो पूरे कहीं नहीं गए, तो 2 साल लग जाएंगे एक फैसला लेने में. तो उनके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकाल लेते हैं. कहते हैं जी ऐसा करें, ये सारे लोग 6-7 बंदों को वो राइट दे दें कि वो इनके बिहाफ पे फर्म से रिलेटेड सारे फैसले कर लें. तो जो 6-7 लोग होंगे वो दैट आर नोन टू बी एज आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या कहते हैं उसे हम? दीज आर नोन टू बी एज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की ये हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो उनकी बिहाफ पे क्या करेंगे? फैसले लेंगे और फैसला लेने के बाद हमें बता देंगे. स्टॉक होल्डर्स बियर्स ऑल लॉसेस, यानी कि हर चीज को, यानी कि लॉसेस को भी स्टॉक होल्डर्स ही बियर कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से उसको बियर करके आगे लेके आ रहे होते हैं. दैट मीन स्टॉक होल्डर्स हैव टू बियर ऑल द लॉसेस, यानी जितने भी लॉसेस हो सकते हैं स्टॉक होल्डर्स हैव टू बियर. इंश्योरर कैन नॉट इशू एन एसेसिबल पॉलिसी, यानी कि इंश्योरर्स कैन नॉट इशू एसेसिबल पॉलिसी जिसमें आप कहेंगे यू हैव अ शेयर इन द ओनरशिप. यानी एसेसिबल पॉलिसीज आर नॉट बीइंग पॉसिबल व्हेन टॉकिंग अबाउट अ टाइप ऑफ प्राइवेट इंश्योरर दैट इज स्टॉक इंश्योरर. कि जब भी हम स्टॉक इंश्योरर की बात करेंगे तो याद रखिएगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू मेक द असेसेबल पॉलिसी की, यानी पॉलिसी कांट बी असेसेबल एंड देयर इज अ स्टॉक इंश्योरर, यानी कि जो यहाँ पे स्टॉक इंश्योरर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे कांट ओपन इट इन दिस वे, कि यहाँ पे हमारे पास उस लेवल पे नहीं आ सकता. The next thing that types of private insurer that exists is the mutual insurer. Is a corporation owned by the policymaker. Policy may elect board of director which have an effective manager management control. The mutual insurer is a corporation. अब वो क्या कह रहे? Is a corporation owned by a policy owner. यानी ये corporation है जो कि कौन own करके बैठा होता है? That is a policy owner. कौन own कर रहा होता है? Policy owner. Policy owner elects board of director. पहला काम क्या होता है policy owner का? To elect board of directors, के board of directors को वो elect करें. Who have effective management control? क्या हो उनके पास? They have effective management control.
यानी उसके बाद कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय पॉलिसी मेकर, पॉलिसी ओनर्स, पॉलिसी ओनर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल. क्या हो उसके पास? इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल. यानी हमारे पास पॉलिसी ओनर्स भी हैं और पॉलिसी ओनर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल्स भी उनके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. मे पे डिविडेंड्स टू पॉलिसी ओनर, क्या करते हैं वो, दे मे पे डिविडेंड्स टू पॉलिसी ओनर और गिव रेट रिडक्शन इन एडवांस. यानी वो क्या करते हैं, मे पे डिविडेंड्स, दे मे पे डिविडेंड्स टू पॉलिसी ओनर, कि पॉलिसी ओनर को मे बी वो डिविडेंड्स ना दें और गिव अ रेट ऑफ रिडक्शन इन एडवांस. और क्या करें, वो रेट ऑफ रिडक्शन उन्हें एडवांस में दे दें कि हमारे पास इतना रेट ऑफ रिडक्शन एग्जिस्ट कर रहे. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर. द एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल इज ओन्ड बाय पॉलिसी ओनर, देयर इज नो स्टॉक होल्डर एंड द इंश्योरर डज नॉट इशू असेसेबल पॉलिसीज. यानी दैट इज ओन्ड बाय पॉलिसी ओनर. कौन ओन करता है, दैट इज ओन्ड बाय पॉलिसी ओनर. देयर आर नो स्टॉक होल्डर and the insurer does not issue assessable policies. के owner यहाँ पे assessable policies को issue नहीं करता. The assessment mutual has the right to assess policy maker, policy owner an additional amount if the insurer financial operations are unfavorable. यानी कि वहाँ पे assessment mutuals में ये existence exist कर रही है. And the fraternal insurer is a mutual insurer that provides life and health insurance to members of a social or religious organization. So there are three types of mutual इंश्योरर. जो फर्दर सब कैटेगरीज या थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर है, दैट आर समथिंग लाइक दैट, कि वो यहाँ पे म्यूचुअल इंश्योरर्स को देख रहे होते हैं कि हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग अटेंड. कि उन म्यूचुअल इंश्योरर्स को हम कैसे और किस तरह से अटेन करेंगे और किस तरह से उसकी वैल्यूएशन करेंगे. देर आर थ्री मेन टाइप्स हैं. देखिए फर्स्ट फिर आ रहे, दोबारा देखिएगा एक दफा. एंड एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल इज ओन्ड बाय अ पॉलिसी मेकर, यानी कि जे भी पॉलिसी में ओनर है, देयर इज नो स्टॉक होल्डर एंड द इंश्योरर डज नॉट इशू असेसेबल पॉलिसी. यानी असेसेबल यानी वर्केबल पॉलिसी यहां पे ओनर इशू नहीं करता. तो और जब वो वर्केबल पॉलिसी नहीं इशू करता, दैट मींस देयर इज नो पॉलिसी दैट एग्जिस्ट. एंड असेसमेंट म्यूचुअल हैज द राइट, असेसमेंट म्यूचुअल हैज द राइट टू असेस पॉलिसी ओनर. यानी कि असेसमेंट म्यूचुअल हैज द राइट टू असेस पॉलिसी ओनर, यानी कि पॉलिसी ओनर को कहे एन एडिशनल अमाउंट. क्या करे वो, एन एडिशनल अमाउंट इफ द इंश्योरर फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर अनफेवरेबल. यानी कि हैज द राइट टू असेस पॉलिसी ओनर एन एडिशनल अमाउंट, कि एक एडिशनल अमाउंट देगा इफ द इंश्योरर्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर अनफेवरेबल. कि जब इंश्योरर्स की फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो है वो अनफेवरेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि देन देयर इज अ इंश्योरर्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर unfavorable. तो यहां पे हम कहेंगे कि that policy owners have an additional values and additional time for that. And the fraternal insurer is a mutual insurer that provides life and health insurance to members of social and religious organization. कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, health insurance provide कर रहे होते हैं या life insurance provide कर रहे होते हैं to social और religious owner. किसको, social owner या religious owner, both cases में they would provide certain social or religious owners organizations. किस social organization आ जाए या religious organization आ जाए, in both cases they have to provide insurance to members. कि members को वो insurance provide करते हैं. तो जब वो members को insurance provide कर रहे हैं, तो that means these are the insurance that is being provided to the owners. कि owners को ये information provide की जा रही है, कि और उसी के हिसाब से ये values को चेंज किया जा रहा है. तो द फ्रेटर्नल इंश्योरेंस इज द म्यूचुअल इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस. क्या करते हैं, दैट प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू मेंबर्स ऑफ अ सोशल और अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टू द मेंबर ऑफ सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. तो जितनी भी सोशल मेंबर्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो रही होगी, तो डेफिनेटली वहां पे फ्रेटर्नल इंश्योरर हमें रिक्वायर्ड होगा. कि इतनी हमारे पास फ्रेटर्नल इंश्योरर रिक्वायर्ड है. टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस आते हैं. फर्दर टाइप्स को देखते हैं, प्राइवेट इंश्योरर कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं. द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल इंश्योरर आर चेंजिंग. यानी म्यूचुअल इंश्योरर्स का याद रखिएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली चेंज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कंपनी मर्जर्स. के म्यूचुअल इंश्योरर्स का जो आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर्स. डीम्यूटिलाइजेशन, अब दैट इज अ न्यू टर्म इन विच अ म्यूचुअल कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक इंश्योरर. यानी कि जो म्यूचुअल कंपनी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू अ स्टॉक इंश्योरर. That means that is the term is known to be the demutualization. क्या कहते हैं, that is known to be as your demutualization. कि जिसमें हम demutualization की तरफ जाते हैं, ठीक है, is converted into a stock insurer. और किस में convert हो जाती है, converted into a stock insurer by pure conversion. किस पे relate कर रही होती है, that is by pure conversions की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, into stock insurer by mergers and by bulk reinsurers. यानी pure conversions आ गई,
मर्जर्स आ गई एंड देयर इज अ बल्क री इंश्योरेंस. प्योर कन्वर्जन देयर, मर्जर्स देयर, बल्क री इंश्योरेंसेज आर देयर, यानी इन विच म्यूचुअल कंपनी इज कन्वर्टेड इन टू अ इंश्योरर बाय प्योर कन्वर्जन आ गई. मर्जर्स एंड बल्क इंश्योरेंस के मर्जर्स भी आ गए, प्योर कन्वर्जन भी आ गई एंड बल्क इंश्योरेंसेज आर ऑल्सो बींग देयर. द क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज के म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज की कैसे क्रिएशन होती है. द होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द ऑथराइज्ड इंश्योरर. कि होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है. होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स एन ऑथराइज्ड इंश्योरर. कि डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं. दे आर गोइंग टू कंट्रोल एन ऑथराइज्ड इंश्योरर. हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑथराइज्ड इंश्योरर्स को कमुलेट कर रहे हैं. द होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स एंड ऑथराइज्ड इंश्योरर. के हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल करें या इनडायरेक्टली कंट्रोल करें द ऑथराइज्ड इंश्योरर्स को. किसको कंट्रोल करें, ऑथराइज्ड इंश्योरर्स को कंक्लूड करें और जितने भी ऑथराइज इंश्योरर हैं दैट इज बीइंग कंक्लूडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. यानी कि हमारे पास बोथ केसेस में दे आर बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड कैलकुलेशंस. म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी इलस्ट्रेशन. अब म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी इलस्ट्रेशन कैसे है? देखें यहां पे म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी तो यहां पे एग्जिस्ट कर रही है. म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी, म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर बीइंग ऑन द सेम लेवल. किस पे आ रही है, दे आर बीइंग ऑन द सेम लेवल. स्टॉक सब्सिडरी ए, स्टॉक सब्सिडरी बी, स्टॉक सब्सिडरी सी. मीन्स हर एक की स्टॉक सब्सिडरी है और उन सबको सम अप कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी एंड म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी. यानी इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी रिक्वायर म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज. के मेरे पास म्यूचुअल कंपनीज भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज नोन टू बी एज अ म्यूचुअल होल्डिंग कंपनी. अब यहां पर अगर बात करें म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज तो याद रखिएगा बोथ केसेस रिक्वायर्स अ स्टॉक सब्सिडरीज. क्या चाहिए होंगी दोनों केसेस को, स्टॉक सब्सिडरी चाहिए. तो स्टॉक सब्सिडरी ए भी है, स्टॉक सब्सिडरी बी है एंड स्टॉक सब्सिडरी क्या है हमारे पास, दैट इज ऑफ सी. ये स्टॉक सब्सिडरी ए बी एंड सी दैट एक्सिस्ट. तो म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज हैं, दोनों हैं एंड स्टॉक सब्सिडरीज ए हैं, स्टॉक सब्सिडरीज बी हैं एंड स्टॉक सब्सिडरीज क्या है हमारे पास, सी है. तो ऑल थ्री केसेस आर बीइंग देयर एंड म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज आर ऑलवेज बी देयर. सो दैट मींस के सब्सिडीज ए बी एंड सी आर बीइंग रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल होल्डिंग कंपनीज. के बोथ केसेस के लिए वी रिक्वायर दिस थिंग. उसके बाद आ जाए लॉयड्स ऑफ लंडन इज नॉट एन इंश्योरर. ये याद रखिएगा इट्स नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ, यानी ये कैटेगराइज किया जाए तो ये इंश्योरर के पार्ट में नहीं आता. बट अ सोसाइटी ऑफ मेंबर, ये कैसा आता है, सोसाइटी ऑफ मेंबर जो नॉर्मली पाकिस्तान में भी होता है कि देयर इज अ सोसाइटी व्हिच यूज्ड टू गिव द फंड्स. तो इसी तरह वहां की भी ये क्या है, सोसाइटी ऑफ मेंबर हु अंडरराइट द इंश्योरेंस इन सिंडिकेट्स. अब सिंडिकेट्स मींस इन ग्रुप्स, यानी कि उनसे इंश्योरेंस फाइल करते हैं बट इन अ ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में वो इंश्योरेंस फाइल हो रही होती है और फाइल होने के बाद ही हमारे पास आ रही होती है कि कितनी हमारे पास इंश्योरेंसेस एग्जिस्ट कर रही. मेंबरशिप इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन, यानी कौन कौन उसके मेंबरशिप में आता है, दैट इज कॉर्पोरेशंस. इंडिविजुअल मेंबर्स, अब इंडिविजुअल मेंबर्स बाय नेम्स होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल मेंबर्स बाय नेम्स होते हैं. एंड स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप, क्या होती है साथी, स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप. ठीक है, यानी इंडिविजुअल मेंबर्स भी आ रहे हैं एंड स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है. दैट मींस मेंबरशिप इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल मेंबर्स एंड स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप, के स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है. न्यू इंडिविजुअल मेंबर्स क्या है, न्यू इंडिविजुअल मेंबर्स और नेम्स हु बिलोंग्स टू द वेरियस सिंडिकेट्स नाउ हैव लिमिटेड लीगल लायबिलिटी. यानी कि जो विद नेम्स या इंडिविजुअल मेंबर्स था जिनकी जो बिलोंग करते थे डिफरेंट सिंडिकेट्स का, लेकिन अब उनके पास जो लायबिलिटी आ रही है दैट इज बीइंग लिमिटेड. कि उनकी लायबिलिटी ओवरऑल क्या चीज आ रही है, बहुत ही लिमिटेड आ रही है. और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि उनकी लायबिलिटी या लीगल लायबिलिटी अब अनलिमिटेड नहीं रही है, दैट इज बीइंग नाउ लिमिटेड. यानी अब वो लायबिलिटी टोटली लिमिटेड साइड पे आ रही है और लिमिटेड लेवल पर ही देख रहे हैं. कॉर्पोरेशन विद लीगल लायबिलिटी, अब क्या आ रहा है, कॉर्पोरेशन विद
लीगल लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन ऑल्सो ज्वाइन द लॉयड्स ऑफ लंडन, यानी कि जो जिसके पास कॉपरेशन विद लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी कुछ भी हो इनके पास, दैट कैन ज्वाइन द लॉयड्स ऑफ लंडन, के लॉयड्स ऑफ लंडन को ज्वाइन कर सकते हैं. लॉयड्स इज अ लाइसेंस्ड ओनली इन अ स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूरिडिक्शन इन यूएस, यानी कि ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ज्यूरिडिक्शन ऑफ लंडन में पाई जाती है, हर जगह पे ये चीज नहीं है. यानी इफ आई वुड से कि ये हर जगह पे है या हर पूरे यूएस में, नहीं, दैट इज अ वेरी लिमिटेड थिंग, जिसमें क्योंकि लीगल लाइबिलिटी की भी बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, सिंडिकेट्स की भी बात हो रही है, एवरीथिंग. यानी कि इसमें सोसाइटी है जो अंडरराइट करती है इंश्योरेंस इन सिंडिकेट्स, इंश्योरेंस किसी चीज की भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन की हो सकती है, इंडिविजुअल मेंबर्स की हो सकती है, स्कॉटिश लिमिटेड पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट कर सकती है. यानी ऑल दीज थिंग्स आर देयर. न्यू इंडिविजुअल मेंबर्स बाय नेम्स आते हैं, बिलोंग्स टू द वेरियस सिंडिकेट्स, नाउ हैव लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी, यानी जो बिलोंग करते हैं सिंडिकेट से बट नाउ दे हैव अ लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी, यानी उनके पास अब क्या है, लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी है. कॉर्पोरेशन विद लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन ऑल्सो ज्वाइन लॉयड्स ऑफ लंडन, कि जिनके पास लिमिटेड लीगल लाइबिलिटी है या लीगल लाइबिलिटी ही लिमिटेड है, दे कैन इजिली ज्वाइन दैट लॉयड्स ऑफ लंडन, के वो वहां पे जो लॉयड्स ऑफ लंडन को ज्वाइन कर सकते हैं. लॉयड्स इज लाइसेंस्ड ओनली टू अ स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूरिडिक्शन, कितने को आइडेंटिफाई हो रहा है, स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूरिडिक्शन में हो रहा है ऑफ यूएस, यानी सिर्फ यूएस में ही अप्लीकेबल है और कहीं पे भी नहीं अप्लाई होता. टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स, के टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरर्स हमारे पास क्या है, किस तरह है, आर रेसिप्रोकल एक्सचेंज. जो थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी उसको क्या टाइप थी, दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज. क्या थी वो, रेसिप्रोकल एक्सचेंज इन ए यूनिकॉपरेटेड म्यूचुअल, की रेसिप्रोकल एक्सचेंज आ रहा है बट देयर इज अ यूनिकॉपरेटेड म्यूचुअल्स. द रेसिप्रोकल इज मैनेज बाय अटॉर्नी इनफैक्ट. द रेसिप्रोकल्स कौन मैनेज कर रहे हैं, दैट इज अटॉर्नी इनफैक्ट, कि अटॉर्नी वो इंपैक्ट ले रही है, दैट इज reciprocal and is managed by attorney in fact. In pure reciprocal exchange, क्या कह रहा है वो, in pure reciprocal exchange, insurance is exchanged among the members. कि अगर मैं कहूँ in pure reciprocal exchanges, insurance is exchanged among the members. Each member of reciprocal insures the other member. Each reciprocal member insurer is insures the अदर मेंबर्स. यानी कि अब देखें यहां पे भी आपस में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज कंबाइन हो रही हैं, यानी इन इंश्योरेंस कंपनीज आपको साथ साथ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं कि आपने कैसे और किस तरह से इनकी इंश्योरेंस को क्लेम करना है और क्लेम करके उन्हें कैसे कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन प्योर रेसिप्रोकल एक्सचेंज इंश्योरेंस इज एक्सचेंज्ड अमंग द मेंबर्स. अमंग द मेंबर्स जो है इंश्योरेंस क्या होता है, वो एक्सचेंज होता है. ईच मेंबर ऑफ रेसिप्रोकल इंश्योर्स द अदर मेंबर, यानी ईच मेंबर जो होता है दैट ऑफ अ रेसिप्रोकल इंश्योर्स द अदर मेंबर, यानी कि जितने भी रेसिप्रोकल एक्सचेंज है उनको अदर मेंबर इंश्योर कर रहा होगा. देखें अब इसका मतलब क्या है, इज एन यूनिक ऑपरेटेड म्यूचुअल, द रेसिप्रोकल इज मैनेज्ड बाय अ अटॉर्नी इनफैक्ट. यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज है कि आप कहें कि जी ये इंश्योरर जो है वो दूसरे के साथ भी मिलकर काम करेगा और आपस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रेसिप्रोकेट करेगा. क्या करेगा वो, रेसिप्रोकेट करेगा. इन प्योर रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस इंश्योरेंस इज एक्सचेंज अमंग द मेंबर्स, के इंश्योरेंस जो है वो अपने अमंग द मेंबर्स जो है वो एक्सचेंज होती है. ईच मेंबर ऑफ द रेसिप्रोकल इंश्योर्स द अदर मेंबर, यानी हर रेसिप्रोकल मेंबर अब दूसरे मेंबर को इंश्योर कर रहा होता है बिकॉज उसे भी रिक्वायर्ड, एंड सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच मेंबर. यानी हर अकाउंट, हर मेंबर का अकाउंट क्या होता है, वो सेपरेटली मेंटेन किया जाता है या मैनेज किया जाता है. और मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज इज सिमिलर टू द एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल, यानी मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज, जो मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज है वो हमेशा सिमिलर है दैट इज ऑफ एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल. किससे सिमिलर है वो, एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल. नो इंडिविजुअल अकाउंट्स आर बीइंग देयर, कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है वो वहां पे नहीं होंगे. तो दैट मींस मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज इज इक्वल्स टू प्रीमियम म्यूचुअल. किसके इक्वल है वो, एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल के अगेंस्ट है. बिकॉज मॉडिफाइड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स सर्टेन डेवलपमेंट्स. क्या रिक्वायर कर रहे हैं, दैट रिक्वायर्स सर्टेन डेवलपमेंट, और सर्टेन डेवलपमेंट के बाद ही आपके पास ये आएगा कि दैट हाउ मच दे आर बीइंग रेसिप्रोकल एंड हाउ मच दे आर बीइंग रेसिप्रोकेट, कि हम किस तरह से उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं और कितना रेसिप्रोकेट उसने होना है. तो दैट मींस मॉडिफाइड रेसिप्रोकल एक्सचेंज इज सिमिलर टू द एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल. किससे सिमिलर है वो, दैट इज रिलेटेड टू एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल, के इतना हमारे पास एडवांस प्रीमियम म्यूचुअल्स हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए. नाउ टिपिकल प्राइवेट इंश्योरेंस कौन कौन से हैं, ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स हैं. अब यहां पे देखें, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस. ठीक है,
ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड एज अ नॉन प्रॉफिट. कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एज अ नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लान, यानी ये जनरली क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एज नॉन प्रॉफिट प्लान्स हैं एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड यानी सोसाइटी ओरिएंटेड प्लान्स हैं, यानी कि हमारे पास नॉन प्रॉफिट भी है और साथ ही कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लान्स भी हैं. ब्लू क्रॉस प्लान्स प्रोवाइड्स कवरेज फॉर हॉस्पिटल सर्विसेज. सबसे पहला क्या काम है उसका, टू प्रोवाइड कवरेज फॉर द हॉस्पिटल सर्विस. किसके लिए आपको चाहिए, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज को देखिए और सर्विसेज को कंप्लीट करें. ब्लू शील्ड प्लान्स प्रोवाइड्स कवरेज फॉर फिजिशियन एंड सर्जन फी. अब यहां पे क्या कह रहे हैं, ब्लू शील्ड प्लान्स प्रोवाइड कवरेज फॉर फिजिशियन एंड सर्जन फीस, यानी कि हमारे पास पूरी की पूरी कवरेज दे रहे हैं फिजिशियन एंड सर्विस फी, अब सर्जन फी. अब यहां पे वो बड़े स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटल कवरेज तो होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्जन फी है हमारे पास और फिजिशियंस की फीस है और हम कोई चीज नहीं आ रहे. तो ये इफ यू आर गोइंग टू क्लेम एनी अदर थिंग दैट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, यानी कि वो इसका पार्ट नहीं होगी. मोस्ट प्लान्स हैव मर्ज्ड इनटू वन एंटिटी, यानी कि काफी सारे प्लान्स जो हैं वो एक बन गए हैं, जैसे हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस प्लान, यानी ये सारी चीजें कंबाइन होकर सिंगल चीज में कन्वर्ट हो गई हैं. दैट मींस मोस्ट प्लान्स हैव मर्ज्ड इनटू वन एंटिटी, यानी कि सारे प्लान्स मर्ज होके सिंगल एंटिटी का पार्ट बन चुके हैं. और जब सिंगल एंटिटी का पार्ट बन चुके हैं तो इसका मतलब है दीज आर बी मर्ज टू वन एंटिटी. मैनी स्पॉन्सर्स एचएमओस एंड पीपीओस, यानी कि मैनी स्पॉन्सर्स एचएमओस हेल्थ मेडिकल एंड पीपीओस, यानी कि इन सारों को मैनी स्पॉन्सर्स मिलते हैं जिसके अंदर ब्लू क्रॉस के थ्रू भी को भी स्पॉन्सर्स इनकी तरफ से आ रहे होते हैं. यानी कि ये दो फर्म्स ऐसी हैं जो आपके ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान्स को सपोर्ट देती हैं. क्या देती हैं, ये आपको सपोर्ट देती हैं और ब्लू क्रॉस और ब्लू प्लान्स को यहाँ पे इजिली क्लियरली कटअप करते हैं और पूरा कंप्लीट आइडेंटिफाई कर होते हैं. सम प्लान्स हैव कन्वर्टेड टू अ फॉर प्रॉफिट स्टेटस, यानी कुछ प्लान्स हैं कन्वर्टेड टू अ फॉर प्रॉफिट स्टेटस, यानी कि किसमें कन्वर्टेड हो जाते हैं, फॉर प्रॉफिट, बिकॉज आपने कहा नॉन प्रॉफिट. कुछ प्लान इसमें से कन्वर्ट होकर किसमें बन जाते हैं, टूवर्ड्स द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं. टू रेज कैपिटल एंड बिकम मोर कॉम्पिटेटिव, यानी किस लिए होते हैं, किस पर्पज के लिए होते हैं, टू रेज द कैपिटल एंड बिकम मोर कॉम्पिटेटिव, यानी कि जितने भी रेज कैपिटल हैं और मोर कॉम्पिटेटिव ये हो जाते हैं, यानी दे आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटेटिव, यानी दे रेज द कैपिटल एंड हैव टू बी बिकम मोर कॉम्पिटेटिव, कि मोर कॉम्पिटेटिव ये लोग हो जाते हैं. दैट मीन्स के कुछ प्लान में कन्वर्जेंस के की ऑप्शन है, यानी इस प्लान के अंदर क्या है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर्स, और उधर पे हम लोग कहेंगे कि दैट कैन बी मोर कॉम्पिटेटिव और मोर टुवर्ड्स द यू कैन से टुवर्ड्स द कन्वर्जन टुवर्ड्स द प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट की कन्वर्जेंस की तरफ ज्यादा बात कर रहे हैं कि उसकी तरफ ये कन्वर्ट होके जाते हैं. बिकॉज समटाइम्स नॉन प्रॉफिट इज नॉट एनफ, ऑल प्लान्स नाउअडेज इन प्राइवेट इंश्योरर्स आर बीइंग अ प्रॉफिट ओरिएंटेड, जिसपे आपको प्रॉफिट अर्न किया जाता है और प्रॉफिट ही दिया जाता है, जिसपे आपको ये पता लग रहा होता है कि आपने कैसे और किस तरह से ये प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो दैट ब्लू क्रॉस एंड ब्लू चिप शील्ड प्लान्स आर ऑल्सो बींग अ टाइप ऑफ प्राइवेट इंश्योरर. क्या है ये प्राइवेट इंश्योरर की टाइप्स ही हैं और टाइप्स को ही सामने लेकर हम आगे चल रहे हैं. नाउ हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे हम कहते हैं दैट इज एचएमओस, जो हमें पहले भी कहा था दैट इज सपोर्ट टुवर्ड्स द ओवरऑल योर ब्लू चिप्स एंड ब्लू क्रॉस कंपनी, यानी कि जितनी भी हमारे पास इंश्योरेंस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. बट इटसेल्फ हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ आल्सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, यहाँ इसमें भी हेल्थ केयर इन्वॉल्व होती है और हेल्थ केयर को वो सामने रख के ही बात कर रहे होते हैं. सर्विसेज टू इट्स मेंबर, ब्रॉड हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट अ फिक्स्ड प्रीपेड फी, यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विस नॉर्मल है, यानी जो एट सबको चाहिए होती है, that are always provided at the fixed prepaid fee, yani kis pe provide hoti hai, that is on the fixed prepaid fee, yani ki jo bhi hamari fixed prepaid fee hai usi ke hisab se wo apply hoti hai. cost control is emphasized, kya cheez emphasize hoti hai, that is cost control is emphasized, ki jitni bhi hamare paas cost control hai that are being emphasized. choice of healthcare provided may be restricted, yani hamare paas kya aa rahi, choice of healthcare provided may be रिस्ट्रिक्टेड, कि हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर जितनी है उनकी चॉइसेस क्या आ रही हैं, दैट आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, कि हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और उसी के हिसाब से हमारे पास चॉइसेस भी वेरीड आ रही हैं. क्या आ रही हैं हमारे पास, वेरीड चॉइसेस आ रही हैं और वेरीड चॉइसेस के हिसाब से हम चल रहे हैं. ठीक है, लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑफन प्रोवाइडेड, कि जितने भी लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट है दे आर ऑफन बीइंग प्रोवाइडेड, और ये लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट ही हैं जो हमें बताते हैं कि दैट मींस के दीज आर वॉन्ट टुवर्ड्स अ
हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस टू इट्स मेंबर। ब्रॉड हेल्थ केयर सर्विसेज इसके अंदर आती हैं, दैट मींस ऑन द प्रीपेड फिक्स्ड फी कॉस्ट कंट्रोल इज एम्फसाइज्ड। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि दैट मींस कॉस्ट कंट्रोल इज नीड टू बी एम्फसाइज, यानी कि हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एम्फसाइज होता है। चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे बी रिस्ट्रिक्टेड, चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जितने भी चॉइसेस हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, दैट मे बी रिस्ट्रिक्टेड, कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड हैं उनकी चॉइसेस को रिड्यूस कर दिया जाए, बिकॉज वो कहते हैं कि एक सर्टन पोर्शन तक हमारी हेल्थ केयर है जिसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फी है। दैट मींस उनके पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास ये चॉइस क्या होती है, दैट इज गोज टू बी फिक्स, यानी ये हमारे पास क्या हो सकती है, फिक्स हो जाती है। लेस कॉस्टली फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है और ऑफन प्रोवाइडेड, बहुत ही लेस कॉस्टली फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो ऑफन प्रोवाइडेड होता है और उसकी तरफ ही जा रहा होता है, दैट आर ऑफन प्रोवाइडेड। जो लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, क्या है हमारे पास, लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑफन प्रोवाइडेड, ये हमारे पास ऑफन प्रोवाइड हो रहे हैं एंड दीज आर बीइंग नोन टू बी एज अ लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट्स, दीज आर लेस कॉस्टली फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑफन प्रोवाइडेड। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस, कैपिटिव इंश्योरेंस, दो तरह के टाइप्स और होते हैं, कैपिटिव इंश्योरेंस है एंड सर्विस बैंक लाइफ इंश्योरेंस, यानी सेविंग बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस भी है एंड कैपिटिव इंश्योरेंस भी है, यानी दोनों तरह की हमारे पास आ रही है, कैपिटिव इंश्योरेंस भी आ रही है और सेविंग बैंक लाइफ इंश्योरेंस भी आ रही है। पहले बात करते हैं हम कैपिटिव इंश्योरेंस की। कैपिटिव इंश्योरेंस इज अ इंश्योर्ड ओन्ड बाय अ पेरेंट फर्म, यानी कैपिटिव इंश्योरर इज एन इंश्योरर ओन्ड बाय पेरेंट फर्म, किससे रिलेट कर रहा है, पेरेंट फर्म फॉर अ पर्पस ऑफ इंश्योरिंग अ पेरेंट फर्म लॉस एक्सपोजर, यानी कैपिटिव इंश्योरर इज एन इंश्योरर ओन्ड बाय पेरेंट फर्म, किस कौन ओन कर रहा है उसे, ओन्ड बाय पेरेंट फर्म फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द पेरेंट फर्म लॉस एक्सपोजर, कि कैपिटिव इंश्योरर इज एन इंश्योरर, यानी वो एक इंश्योरर है ओन्ड बाय अ पेरेंट फर्म, कौन ओन कर रहा है, दैट इज बीइंग ओन्ड बाय अ पेरेंट फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ इंश्योरिंग, यानी ओन्ड बाय पेरेंट फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ इंश्योरर द इंश्योरिंग द पेरेंट फर्म लॉस एक्सपोजर, यानी कैपिटिव इंश्योरर वो होते हैं जो पेरेंट फर्म ही की होती है और उसका काम भी यही होता है कि वो लॉस एक्सपोजर ऑफ पेरेंट फर्म को ही रिड्यूस करे, यानी जितना लॉस एक्सपोजर वो रिड्यूस करेगा पेरेंट फर्म का उतना उसके लिए बेहतर होगा, कि कितना वो बेहतर हो सकता है और कितना वो बेहतर की तरफ जा सकता है। दैट मींस लॉस एक्सपोजर्स आर टोटली बेस्ड ऑन दीज आइटम्स। मोर देन 100 कैपिटिव एग्जिस्ट टुडे, यानी हर कंपनी, डेफिनेटली पेरेंट कंपनी अपना ही कैपिटिव इंश्योरर रखता है जो अपनी ही फर्म को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, और देयर आर 51 कैपिटिव एग्जिस्ट टुडे, यानी कि जितने भी कैपिटिव हैं देयर आर 2100 कैपिटिव दैट एग्जिस्ट ऑन द टुडेज लेवल, ठीक है। सेविंग बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस रेफर्स टू द लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स ओवर द फोन और थ्रू वेबसाइट, यानी ये वो सेविंग बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस है, दीज आर सोल्ड बाय अ म्यूचुअल सर्विस बैंक्स, ये सेविंग बैंक्स यानी किसकी वजह से आ रहे हैं, दैट इज ऑन द म्यूचुअल सेविंग बैंक्स की तरफ से आ रहे हैं, ओवर द फोन और थ्रू वेबसाइट, यानी कि या तो ऑन द फोन होता है और या ये थ्रू वेबसाइट होता है, तो यानी दैट इज रिलेटेड टू अ लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय अ म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, कौन सेल कर रहे हैं, दैट इज बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स ओवर अ फोन और थ्रू वेबसाइट, यानी या तो वो ओवर द फोन हो रहा है और वो या तो थ्रू वेबसाइट हो रहा है, यानी या तो फोन की बात करेंगे या वो थ्रू वेबसाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो दैट मींस दैट रेफर्स टू द लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, कौन सेल कर रहा है, दैट इज म्यूचुअल सेविंग बैंक्स ओवर अ फोन और थ्रू वेबसाइट, यानी कि या तो आपके पास ओवर द फोन आ रहा है और या ये थ्रू वेबसाइट आ रहा है, तो दैट मींस इन बोथ केसेस दैट वुड बी देयर कि यहां हमारे पास क्या आ रहा है, तो दैट मींस रेफर्स टू द लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड बाय म्यूचुअल सेविंग बैंक्स ओवर द फोन और थ्रू वेबसाइट, दैट इज बीइंग सोल्ड बाय सेविंग बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस, की ये लाइफ इंश्योरेंस में एक्जिस्टेंस आ रही है। Now we are moving towards the agents and brokers. ये भी आ रहे होते हैं जिसमें हमारे पास exist कर रहे होते हैं कि कौन कौन से हैं। Agents there's a different works, broker there's a different. Sometimes लोग इसको merge out करते हैं, कहते हैं जी agents and brokers are the same thing. But now there's no similarities that exist between agents and brokers. यानी agents and brokers में similarities exist नहीं कर रही होती। That means they are being different. ये क्या होते हैं हमारे पास? They are being different. An agent is someone who legally represents the principal. क्या होते हैं? The agent is someone who legally represents the principal and has authority to act on the principal's behalf. यानी agent क्या होते हैं? They are someone
हु लीगली रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल, वो क्या करते हैं, दे हु लीगली रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल एंड हैज अथॉरिटी टू एक्ट इन अ प्रिंसिपल बिहाफ दैट इज नोन टू बी एज योर एजेंट्स, यानी एजेंट्स वो होते हैं जो प्रिंसिपल की तरह बिहेव करते हैं और एक्ट भी कब करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल, किसके बिहाफ पे कर रहे होते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड और अपेरेंट. Now, when we talk about expressed, that means on the written, that is contractual. तो वो कहेंगे हम expressed है. क्या है वो? Expressed है. और implied क्या होगा? That means when we talk about implied one, तो that means कि वो understood सी ये बात है कि अगर ये authorities उसके पास हैं, तो next authorities भी उसी ही के पास आएंगी. So that means that could be expressed or that could be implied one. यानी both cases में आ रहे हैं. And third one, that is apparent. यानी that is not known, but you are exercising some authority. So that is known to be as an apparent authority. You are not known whether it would be under your jurisdictions or is it or not in your own jurisdictions. So iska matlab hai, there is a three types of authorities that can be exercised. Expressed bhi hoti hai uske andar, implied bhi hoti hai, apparent bhi hoti hai. Yani something that is being apparent or that is being seen. Ke haan yaar, ye humare paas authorities hain jo exist kar rahi hai. The principal is responsible for all acts of an agent. Ye kya matlab hua? Principal is responsible for all acts of an agent when the agent is acting within the scope of authority. यानी वो क्या कह रहे हैं, the principal is responsible for all acts of an agent. यानी all acts of an agent आते हैं when the agent is acting within the scope of authority. यानी कि within the scope of authority अगर वो बात कर रहे हैं, so that means it's an act of an agent. के agent का act इसी में से ही हमारे पास आ रहा है कि how they are being going to act. So that means the principal is responsible for all acts of an agent. हर act के लिए responsible कौन है? Principal. When agent is acting within the scope of authority. जब agent जो है वो act कर रहा है in the scope of अथॉरिटी के, अथॉरिटी के स्कोप में जा रहे, तो दैट मींस प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट. यानी हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हेन एजेंट इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी के, जब वो एजेंट जो है विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी पे बात कर रहे हैं, यानी कि हर एक्ट में के लिए रिस्पॉन्सिबल. अगर एजेंट से कोई गलती होगा तो इसका मतलब है कौन लायबल होगा, दैट मींस द प्रिंसिपल इज बीइंग लायबल, कि वो से पता होगा कि मैंने यहां पे कितना क्या चीज यहां पे मिस्टेक हुई और किधर से कैसी मिस्टेक हमारे पास आ रही है और कैसी मिस्टेक हमारे पास हो रही है. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें हमारे पास नजर आ रही हैं. सो दैट मींस द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट व्हेन एजेंट इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, कि वो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी पे ही काम कर रहा है, दैट हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर बीइंग सफर्ड. The property and causality agent has a power to bind the insurers. के property और causality agents में क्या है कि वो power होती है to bind the insurer, कि वो bind कर सकते हैं insurer को कि हाँ जी ये that is being mandated to be done. So that means property and causality insurers जो हैं that has a power to bind the insurer. The binder provides temporary insurance until the policy is actually written. यानी कि provides temporary insurance. तो binder जो होता है वो क्या करता है? Temporary insurance provide करता है until the policy being written. कि जब तक policy नहीं लिखी जाएगी तब तक वो binder की तरह एक temporary insurance देता है. यानी कि the property has the power to bind the insurer. कि binding हमारे पास है और जिसमें आप कहते हैं कि हाँ जी ठीक है जब तक policy बन रही लेकिन तब तक भी आप ही लोग जिम्मेदार हैं. That is known to be as a binder. क्या कहते हैं इसे हम? ये हमारे पास बाइंडर है. A life insurance agent normally does not have authority to bind the insurance. यानी life insurance में ये चीज नहीं होती कि आप किसी को बाइंडर दे सकें या किसी को बाइंडर कर सकें. ठीक है. The applicant of life insurance must be approved by insurer. यानी इसे किससे अप्रूव होना चाहिए? That is being approved by insurer before the insurance become effective. यानी कि वो क्या कर सकता है? That means that must be approved by insurer before the insurance become effective. कि यानी कि आपके insurer ने जो है वो आपकी life insurer पहले accept की भी हो, अदरवाइज वो इंश्योरेंस इफेक्टिव नहीं होगी. दैट मींस फर्स्ट योर एक्सेप्टेंस इज बीइंग रिक्वायर्ड. क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे? एक्सेप्टेंस इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव इंश्योरेंसेस. कि इफेक्टिव इंश्योरेंस के लिए वी रिक्वायर एन इफेक्टिव ओवरऑल इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द स्पेसिफिक वर्कर्स. यानी हमें वर्कर्स के लिए स्पेसिफिक या एजेंट्स के लिए या हमें एप्लीकेंट्स के लिए एक्सपेक्टिव इफेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है जिसके थ्रू हम ये लाइफ इंश्योरेंस जनरेट करते हैं. Now we are moving towards agents. Okay. Now we are moving towards a broker. Broker is something who is legally represents the insured.
यानी ब्रोकर वो जो लीगली रिप्रेजेंट करता है इंश्योर्ड को, सिर्फ क्या करता है वो लीगली रिप्रेजेंट द इंश्योर्ड, सॉलिसिट एप्लीकेशन एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज विद इन द अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस. सॉलिसिट एप्लीकेशन क्या करे वो, सॉलिसिट एप्लीकेशन करे एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज, यानी सॉलिसिट एप्लीकेशन एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज, जो भी अटेम्प्ट हो टू प्लेस द कवरेज इज देयर विद एन अप्रोप्रिएट इंश्योरर, यानी सॉलिसिट एप्लीकेशन एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज, जो भी सॉलिसिट एप्लीकेशन आएंगी एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज विद एन अप्रोप्रिएट इंश्योरर, के सॉलिसिट एप्लीकेशन होंगी एंड अटेम्प्ट टू प्लेस कवरेज, के इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं विद अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस, के इंश्योरेंस के साथ है, यानी इन अदर वर्ड्स वो रिप्रेजेंट करता है इंश्योर्ड को, यानी कि हाँ जी ये इंश्योर्ड है और इसको इंश्योरेंस चाहिए और इस किस्म की इंश्योरेंस चाहिए, इसका मतलब है वो अटेम्प्ट करता है कि इसको कवरेज किस तरह की चाहिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट इंश्योरर से ही चाहिए. इस पेड अ कमीशन फ्रॉम अ इंश्योरर व्हेन द बिजनेस इज प्लेस्ड, और अगर वो इंश्योर्ड लेके आया तो डेफिनेटली उस पॉलिसी के ऊपर से उसे कमीशन दिया जाएगा, बिकॉज ही हैज मेड द क्लाइंट, यानी उसी ने क्लाइंट लेके आया तो दैट मींस उसको यहां पे बकायदा इसमें से कमीशन भी पे किया जाएगा कि दैट इज योर कमीशन. डज नॉट हैव अथॉरिटी टू बाइंड द इंश्योरेंस, यानी इनके पास अथॉरिटी नहीं होती दैट दे कैन बाइंड द इंश्योरर, या बाइंडिंग ऑफ इंश्योरेंस को लेके आए यानी कि इंश्योरर को बाइंड करें. द सरप्लस लाइन ब्रोकर इज लाइसेंस टू प्लेस बिजनेस, अब क्या मतलब है लाइसेंस टू प्लेस बिजनेस विद अ नॉन एडमिटेड इंश्योरर, कि यानी जो इंश्योरर ने नहीं एडमिट किया हुआ, यानी कि सरप्लस लाइन ब्रोकर्स वो हैं कि वो लाइसेंस होते हैं कि वो किसी के पास भी बिजनेस लेके जा सकते हैं जो उसकी नॉन एडमिटेड इंश्योरर में भी हो सकता है, यानी कि जिसके साथ वो अटैच नहीं है उसके पास भी वो बिजनेस लेकर जा सकते हैं. तो दैट मीन्स सरप्लस लाइन रेफर्स टू एन टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर विच देर इज नो अवेलेबल मार्केट विद इन द स्टेट, यानी सरप्लस लाइन रेफर्स टू द टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन विच देर इज नो अवेलेबल मार्केट विद इन द प्लेस, यानी उस तरह की इंश्योरेंस कोई भी मार्केट में देता नहीं है, एंड कवरेज मस्ट प्लेस विद इन द नॉन एडमिटेड इंश्योरेंस, यानी कि कवरेज कहां देनी है दैट इज बेस्ड ऑन द नॉन एडमिटेड इंश्योरर की. हम कब बात कर रहे हैं दैट इज मीन नॉन एडमिटेड इंश्योरर की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ऐसा रखना है कि जिसमें हम नॉन एडमिटेड इंश्योरर की तरफ आए. मार्केटिंग सिस्टम इन लाइफ इंश्योरेंस, किस तरह से मार्केटिंग सिस्टम्स की बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट अ लाइफ इंश्योरेंस, किसकी बात करते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं. एन एजेंसी बिल्डिंग सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच एन इंश्योरर बिल्ड इट्स ओन एजेंसी फोर्स बाय रिक्रूटिंग फाइनेंसिंग ट्रेनिंग एंड सरप्राइजिंग न्यू एजेंट्स, यानी क्या सिस्टम बाय विच इंश्योरर बिल्ड्स इट्स ओन एजेंसी फोर्सेस, अपनी एजेंसी फोर्स बनाते हैं बाय रिक्रूटिंग फाइनेंसिंग ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग न्यू एजेंट्स. जनरल एजेंसी सिस्टम, जनरल एजेंट इज इंडिपेंडेंट contractor who's represent only one insurer and receive a commission based on amount of business produced, यानी कि amount of business जितनी produce हो रही है उसी की base पे ये valuations आ रही. Insurer provides some financial assistance but general agent is responsible for recruiting, training and motivating new agent, यानी वो new agent ही को सिर्फ देख रहे होते हैं और new agent के हिसाब से ही चल रहे होते हैं. Branch offices are managerial system में क्या होता है, branch different areas में होती हैं, जैसे state life के different offices हैं. The branch manager is responsible for hiring, training new agent. Branch जो manager होता है वो hiring and training of new agent होता है and receive commission from insurer. किसमें से receive करते हैं? That receive commission from insurer. के commission receive करते हैं from insurer. Insurer pay expenses of a branch office. यानी insurers क्या करते हैं? Insurers always pay expenses of the branch office. के branch offices के insurers को expenses pay कर रहे होते हैं. Marketing system in life insurance. A non-building agency system is a marketing system by which an insurer sells its products through established agent. Yani agency system wo hai jisme market aisa marketing system in which insurance sell its product insurer through established agents. Yani jo agent established hai usi ke through apne products ko wo sell out karte hain. The personal producing general agent is a successful agent who is hired primarily to sell insurance under a contract. And under a direct response system, insurance sold directly to the customer without services of an agent. Yani services nahi li jati, sirf aur sirf direct response pe rakha jata hai, yani direct response ke upar samne lekar ja raha hai. Marketing system in property and liability insurance. The independent agency is a business firm. Yani independent agency kya hoti is a business firm that usually represents several unrelated insurers. Yani independent agency is a business firm. Jo independent agency hai, wo kya hoti? That is a business firm that usually represents several unrelated insurers. That kisko represent karta hai? Unrelated insurers ko several.
एजेंट्स आर पेड अ कमीशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस्ड, यानी एजेंट्स जो होते हैं दैट आर पेड ऑन अ कमीशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस्ड, कितनी अमाउंट का उन्होंने बिजनेस प्रोड्यूस किया है, विच वेरी बाय द लाइन ऑफ इंश्योरेंस. एजेंसीज owns the expiration of or renewal rights to the business, यानी कि जितनी भी हमारे पास renewal rights हैं, वो agency own कर रही होती है. Under the exclusive agency systems, the agent represents only one insurer, यानी क्या होता है, under the exclusive agency system, the agent represent only one insurer and group of insurer under common ownership, यानी group of insurer जो होते हैं, common ownership में आ रहे होते हैं. Agents do not usually owns the expiration or renewal rights to the policy, यानी कि exclusive एजेंट सिस्टम में क्या होगा, एजेंट्स डू नॉट यूजुअली ओन्स द एक्सपायरेशन और रिन्यूअल राइट्स ऑफ पॉलिसी, कि उनका काम नहीं ऐसे रिन्यू करना. एजेंट्स आर जनरली पेड ऑन लोअर कमीशन रेट, एजेंट्स आर नॉर्मली पेड ऑन लोअर कमीशन, कम रेट पे किए जाते हैं ऑन रिन्यूअल बेस्ड बिजनेस में देन ऑन अ न्यू बिजनेस, यानी रिन्यूअल पे लो कमीशन रेट है और न्यू बिजनेस पे हायर कमीशन रेट है. Marketing system in property and liability insurance. Direct writer is an insurer in which the salesperson is an employee of insurance, not the independent contractor. Employees are usually compensated for a salary plus arrangement. यानी कि compensated क्या होती है, salary. यानी direct writer is an insurer in which salesperson in an or employee of an insurer. यानी वो employee होता है और उसको क्या pay किया जाए, salary plus. And direct response क्या होता है, sells directly to the consumer by television or some other resources. Used primarily to sell personal lines of insurance. Many property and casualty insurance are multiple distribution system. क्या है वो, multiple distribution systems में exist करते हैं. Group insurance marketing is there. Many insurers use group marketing method to sell individual insurance policy. Employer groups हैं, ठीक है. Labor unions हैं, सारे labors को insurance चाहिए. Trade associations हैं, उसमें भी सारों को चाहिए. Some property and liability insurance use mass merchandising plan to make to market their insurance. यानी mass merchandising देते हैं ताकि वो अपनी market कर सकें insurance policy को. Employee pay for insurance by payroll deduction. यानी employees pay for insurance by पेरोल डिडक्शन, यानी जिन जिनको इंप्लाइज को दिया गया है इंश्योरेंस, उनकी ऑटोमेटिकली पेरोल में से उन्होंने जो इंश्योरेंस ली होती है उसका प्रीमियम डिडक्ट हो रहा होता है. So that's the end of the lecture number 9. We have started with the marketing systems and all insurers and insurers risk. So we are not completed yet with this chapter. Inshallah, in the next lecture we are going to complete it. So that's the end of the lecture number 9. Allah Hafiz.